हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार साहब आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने सशक्त अभिनय की बदौलत फिल्म जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। और 9 जुलाई 1938 को जन्मी संजीव कुमार साहब का असली नाम हरी भाई जरीवाला था, और बचपन से ही उन्हें अभिनय करने का शौक था, और अपनी इसी शौक को पूरा करने के लिए वह मुंबई आ गए थे। और संजीव कुमार साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी में छोटी सी भूमिका से की थी, और इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय के जरिए सबका ध्यान आकर्षित किया। और मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार साहब को साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में अभिनय करने का मौका मिला। हमको देखा को और फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनाहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। और साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए, और इस फिल्म में संजीव कुमार साहब अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल हुए। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और साल 1970 में फिल्म खिलौना से संजीव कुमार साहब को जबरदस्त कामयाबी मिली, और इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। और 1970 में ही प्रदर्शित फिल्म दस्तक में संजीव कुमार साहब को उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और साल 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला, और फिल्म कोशिश में गूंगे की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और फिल्म शोले में उनके द्वारा अभिनीत पात्र ठाकुर आज भी लोगों के जहन में है। और संजय कुमार साहब की प्रमुख फिल्मों में सीता और गीता, पति पत्नी और ओ सिलसिला, श्रीमान श्रीमती राही, प्रोफेसर की पड़ोसन आदि शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बॉलीवुड का यह चमकता सितारा संजय कुमार साहब अपनी आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन के रिलीज से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 47 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से संजय कुमार साहब का 6 नवंबर 1985 को निधन हो गया, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। संजय कुमार साहब की अभिनय प्रतिभा का एक ऐसा उदाहरण थे जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। भले ही आज संजय कुमार साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को जो योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, आज है संजय कुमार साहब का पुण्यतिथि, तो हम लोगों की तरफ से संजय कुमार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने।